हेलो बच्चों, कैसे हो? आई थिंक सब अच्छे होंगे, अपने घर पे एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर जो है हम करेंगे 11th क्लास के लिए, जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में टाइटल में देख ही लिया होगा। ठीक है, अब क्योंकि 11th क्लास की क्लासेस अभी तक प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुई है, तो इंट्रोडक्शन के लिए हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री क्या होती है, इसका हमारी लाइफ में क्या रोल है। ठीक है, हमने इससे क्या क्या यूजेस लिए हैं, क्या क्या हमने बनाया है जो हमारे लिए यूजफुल है, और आगे इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, किसी भी चीज को अगर हमें समझना है तो उसकी डेफिनेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है, कि हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं। 10th में आप साइंस पढ़ते थे, साइंस के अपने तीन पार्ट पढ़े थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। उस समय आपके पास साइंस की एक ही किताब थी, अब आपके पास अलग अलग किताबें हैं। और अगर मैं सिर्फ केमिस्ट्री की ही बात करता हूं तो उसके भी हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेस निकल के आती है। ठीक है, तो अगर मैं साइंस को एक पेड़ मान लेता हूं तो हर पेड़ की ब्रांचेस होती है और हर ब्रांच की सब ब्रांचेस होती है। तो साइंस अगर हमारा ट्री है तो जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी है और जो बाकी सब्जेक्ट्स बनेंगे हमारे पास, दे विल बी कॉल्ड द ब्रांचेस। ठीक है, और ब्रांचेस पे है सब ब्रांचेस, सब ब्रांचेस से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, उन फ्रूट्स का हम यूज करते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले हम जरा एक बार ब्रांच की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो इस ब्रांच का क्या काम है, ये हमें कौन से फ्रूट देती है, पहली बात पढ़ेंगे इसका काम क्या है ब्रांच का। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज अबाउट प्रॉपर्टीज, एटॉमिक अरेंजमेंट, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये है हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन। ये वो ब्रांच है साइंस की जो स्टडी करती है प्रॉपर्टीज, एटॉमिक अरेंजमेंट, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को। तो यहाँ पे हमारे पास कई टर्म्स इंक्लूड हुई, जैसे कि हमने बात करी यहाँ पे मैटर की, ये क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक अरेंजमेंट, इन सब के बारे में बात करेंगे डिटेल में आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम। तो अब एक बार हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली है, हमें एक बार रूट तैयार करना है कि हम इसे पढ़ ही क्यों रहे हैं, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी केमिस्ट्री एट ऑल। ठीक है, तो जब आप केमिस्ट्री लेते हैं तो आपको ये लगता है कि हम केमिस्ट्री में केमिकल्स को मिक्स करेंगे, कुछ नया प्रिपेयर करेंगे, ऐसा हम करते हैं बेसिकली। लेकिन जैसे ही आप 11th में या क्लास में आते हैं तो ये थॉट जो है कि केमिकल्स को मिक्स करके नया बनेगा, ये बच्चों के माइंड में होती है। लेकिन जैसे जैसे वो 11th में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो ये फील करते हैं कि प्रैक्टिकल पार्ट तो नहीं हो पा रहा है, थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा हो रहा है। तो थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा क्यों होता है? देखो, जब तक हमें किसी चीज के बारे में बेसिक इंसाइट या बेसिक नॉलेज नहीं है तो हम उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको दो केमिकल्स को मिक्स करके कुछ नया बनाना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो केमिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो केमिकल्स बिहेव कैसा करेंगे। जब तक हम उन केमिकल्स के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो अगर हम उनको मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद क्या पता जो हम चाहते हैं वो ना बने, कुछ ऐसा बने जो हमारे लिए हार्मफुल हो। ठीक है, आई थिंक ये बस सभी समझ गए होंगे कि हम अब क्या पढ़ने वाले, हम अभी सिर्फ थ्योरीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके रहना है, थ्योरीज इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट बना रहेगा तो आपके लिए केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे बनेगा वो मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री को अपनी डेली लाइफ के साथ रिलेट करेंगे जिससे उसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा निखर के सामने आएगी। ठीक है, तो
डेफिनेशन लिखी हुई है, इसे नोट कर सकते हैं आप। अब एक बार बात करते हैं कि केमिस्ट्री का हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे हम। केमिस्ट्री हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, तो केमिस्ट्री ने हमें काफी यूजफुल चीजें दी है। जैसे अगर मैं आपके घर में जाता हूं तो घर में हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, वेरी यूजफुल। अगर वो फूड में ना हो तो फूड में टेस्ट ही नहीं आएगा। C12H22O11 शुगर, ठीक है, इसको अगर आप ना कंज्यूम करें तो आपका ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होगा, टेंशन क्रिएट होगी एंड सो मेनी डिजीज विल बी क्रिएटेड। हाँ, सोडियम क्लोराइड की बात हमने कर ही ली है, ये भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमें ना मिले तो हमारी बॉडी में सेल की फंक्शनिंग ही प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, ठीक है। ऑल्सो हमारे पास टर्मरिक है, टर्मरिक में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। पुराने टाइम में आप अपने ग्रैंड पेरेंट से पूछेंगे कि हल्दी का क्या यूज था, तो वो उसके आपको फायदे गिनवाएंगे, एक से एक बड़े बड़े फायदे आपको टर्मरिक के मिलेंगे, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि क्या काम करते हैं, एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी का। ऑल्सो आपके घर में सोप तो हो गई, साबुन तो हो गई, ठीक है। साबुन यूज क्यों करते हैं, टू क्लीन द डस्ट फ्रॉम आवर सेल्फ और फ्रॉम द क्लोथ्स, उसमें भी केमिकल कंपाउंड है, केमिस्ट्री उसमें भी इन्वॉल्व हो गई हमारी भापे आके। डिटर्जेंट कपड़े धोने के लिए काम आता है, शैम्पू आपके बालों को साफ करने के लिए काम आता है, बालों में शैम्पू लगाने के बाद कंडीशनर भी कुछ लोग लगाते हैं, बालों को सॉफ्ट करेगा आपके, ये केमिस्ट्री का यूज आपकी बॉडी के बाहर हो रहा है। ऑल्सो आप जो क्लोथ कपड़े पहनते हैं, जैसे कॉटन हुआ, वूल हुआ, नायलॉन हुआ, इसमें भी केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट है कॉन्टिन्यूस चेन्स में, जिससे आपका फाइबर क्रिएट होता है। ऑल्सो पॉलीबैग्स हम यूज करते हैं टू कैरी समथिंग, केमिस्ट्री की देन है ये भी। प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, ग्लास बॉटल्स हो गई, ये भी आपको केमिस्ट्री की ही देन है। ये तो बात हुई हमारे बॉडी के बाहर की, अपनी बॉडी के अंदर की बात करते हैं। हमारी बॉडी में प्रेजेंट है एंजाइम्स, लार्ज केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल मॉलिक्यूल्स जो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि पेप्सिन हो गया, ठीक है। ऑल्सो आपके हेयर, हेयर में भी क्या है, हेयर में आपके प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन क्या है, केमिकल कंपाउंड ही तो है, यहां पर भी केमिस्ट्री का यूज हुआ हमारा, देख पा रहे हैं ना अच्छे से, ठीक है। आपके पेट में एचसीएल है, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, जिसे हम डाइजेस्टिव जूसेस भी कहते हैं। सलाइवा हो गया, जब खाने को देखते हो तो सलाइवा क्रिएट होता है माउथ में, जिससे खाना पचाना और भी आसान हो जाता है, ठीक है। चलो बॉडी के बाहर की बात हुई, बॉडी के अंदर की बात हुई, अब कुछ ऐसी चीजों की बात करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री का यूज कहां पे हुआ है, ओएलईडी टीवी, ओएलईडी ओ मतलब ऑर्गेनिक, देख पा रहे हैं यहां पर भी केमिस्ट्री का यूज हुआ। तो जो आपके एलईडी टीवी है, एचडी क्वालिटी टीवी जो ओएलईडी कैटेगरी में आते हैं, उसमें ओ पार्ट ऑर्गेनिक का है, केमिस्ट्री यहां पर भी आपकी यूज हो रही है, देख पा रहे हैं अच्छे से। और जो जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं भी, मेरा सेल फोन, मोबाइल फोन, एंड्रॉयड फोन या आईफोन, उसकी बैटरी है, अगर बैटरी ना हो तो फोन काम ही नहीं करेगा ना। तो बैटरी में क्या है, बैटरी में है लिथियम आयन बैटरी, केमिस्ट्री का यूज हुआ तभी तो फोन चल पा रहा है हमारा, ठीक है। उस फोन का सर्किट कैसे बना है, सर्किट बना है सिलिकॉन की चिप्स की हेल्प से। सिलिकॉन क्या है, एक कंपाउंड है, केमिकल एलिमेंट है, केमिस्ट्री का यूज यहां पर भी हुआ हमारे पास, देख पा रहे हैं ना सभी। ऑल्सो हमारी जो बिल्डिंग्स क्रिएट हुई है, बिल्डिंग्स में क्या प्रेजेंट है, आयरन है, स्टील हमारा बना, केमिकल कंपाउंड है एक तरह का ये, ठीक है। कैटलिस्ट जो हम यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने के लिए, एक केमिकल कंपाउंड ही तो है, केमिस्ट्री का यूज आपका यहां पर भी हो रहा है।
ठीक है। ऑल्सो न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरेनियम 235 एलिमेंट, रेडियोएक्टिव एलिमेंट, यहां पर भी हमारा केमिस्ट्री का ही यूज हो रहा है। ठीक है, ये हुई कुछ बातें। आप थोड़ा सा बात करते हैं मेडिसिन के बारे में कि मेडिसिन के फील्ड में केमिस्ट्री का क्या रोल है। ठीक है, कैंसर बहुत डेंजरस डिजीज, काफी लोगों की जान लेता है। उस कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं सिसप्लैटिन, एंटी कैंसर एजेंट। ठीक है, एंटी कैंसर एजेंट, साथ में एड्स, सुना होगा आपने एड्स के बारे में, वेरी डेडली डिजीज, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एचआईवी वायरस से क्रिएट होता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या यूज करते हैं हम, एजोथायमिडीन, इसको हम एजीटी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये भी कैंडिडेट्स के पेशेंट्स को दी जाती है रिलीफ प्रदान करने के लिए। ऑल्सो छोटे मोटे बीमारियों के लिए हम कफ सिरप लेते हैं। ठीक है, मेडिसिन लेते हैं, बुखार होता है हमें, सर दर्द होता है, एस्पिरिन लेते हैं हम, वी टेक पैरासिटामोल। ठीक है, वी टेक एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक मेडिसिन लाइक डेटोल, एंटीसेप्टिक हुआ हमारा, डिसइंफेक्टेंट हमारा हो गया फिनोल, जिसे हम फिनाइल कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो बहुत सारा यूज हमारा केमिस्ट्री का यहाँ पे हो रहा है। आई थिंक ये सब यूज सुनने के बाद आप बोर तो नहीं हुए होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, इंटरेस्ट पैदा ऐसे होता है अपने डेली लाइफ में, ध्यान दे, ऑब्जर्व करे चीजों को कि हम कहाँ कहाँ पे अपनी नॉलेज का यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा साइंस का मेन यूज है। ठीक है, तो नोट तो शायद ना कर पाए इसको, अगर कर सकते तो अच्छी बात है, इसे नोट कर लीजिए। ये सब हमारे इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, ओके, तो थोड़ा इसको देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री इन मॉडर्न लाइफ कैसे यूज होती है, बट ऑब्वियसली बात है जिस चीज के यूज होते हैं उसकी ड्रॉबैक्स भी तो होती है। ठीक है, तो केमिस्ट्री की भी थोड़ी सी ड्रॉबैक्स कह सकते हैं इसको, बिकॉज दैट ऑल्सो क्रिएट सम काइंड ऑफ पोल्यूशन। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हमें उस सब्जेक्ट की नॉलेज है तो हम उससे क्रिएट हुए पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में। ग्रीन केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स क्रिएट किए जाते हैं जो कि आज के समय में यूज होने वाली चीजों के अल्टरनेटिव सोर्स बन जाए। जैसे कि हमारे पास प्लास्टिक के पॉली बैग्स होते हैं, हम ये जानते हैं प्लास्टिक के पॉली बैग्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, दैट मीन्स ये डिग्रेड नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते। तो इसके प्लेस पे हम सेल्यूलोज से बने पॉलीबैग्स से यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज ए वेरी इजिली डिकम्पोजेबल मटेरियल, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है ये। ऑल्सो केमिस्ट्री का यूज करते हैं हम इसी प्लास्टिक को एक रिसाइकिल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कुछ कंट्रीज में कि जो आपकी प्लास्टिक की बॉटल्स होती है, इस तरह के प्लास्टिक को हाई प्रेशर मशीन्स में प्रेस किया जाता है जिससे वो बिल्कुल कंडेंस हो जाते हैं, और उस कंडेंस मटेरियल से रेल की पटरियों के नीचे जो लगे लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं उसको वहां पे रिप्लेस किया जाता है। मतलब लकड़ी के ब्लॉक्स की जगह पे वहां प्लास्टिक के ब्लॉक्स लगाए जाते हैं। तो ये हमारा रिसाइकिल और रीयूज वहां पे टर्म आ गई। ठीक है, तो सब्जेक्ट की नॉलेज हमें बहुत ज्यादा यूज या हेल्प करती है अपने मटेरियल्स को रिसाइकिल या रीयूज करने में। ठीक है, इसे आजकल तो क्या होता है, ये कहते हैं पुराना फोन लाइए नया फोन ले जाइए, तो वो क्या करते हैं पुराने फोन का, उस पुराने फोन को रिसाइकिल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक अच्छी बात हुई ग्रीन केमिस्ट्री की। इसी ग्रीन केमिस्ट्री में कुछ ऐसे हाउसेस का निर्माण या बिल्ड किया जाता है जिसमें हाउस खुद की बिजली खुद से ही प्रोड्यूस करे। से आज पिछले समय सरकार ने ये कहा था कि आप
स्कूल बिल्डिंग्स में सोलर पैनल इंस्टॉल कीजिए, जिससे जनरेटर का खर्चा बचेगा, फ्यूल कंजम्पशन कम होगी, दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। विंडमिल्स का लगाना, सोलर पैनल्स का बिछाना रेगिस्तान में इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, जिससे पॉल्यूशन कम होगा। सोलर एनर्जी का यूज करना इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। विंड पावर का यूज करना इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। वॉटर पावर, हाइड्रोलिक पावर का यूज करना इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे यूजेस होंगे इस ग्रीन केमिस्ट्री में। ठीक है, ऑल्सो हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इसके बारे में आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इसमें हाइड्रोजन को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, हमें बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर मिलता है, लेकिन इसी के साथ हमें मिलती है बहुत सारी एनर्जी, एंड दैट इज कंप्लीटली क्लीन एनर्जी। इसमें किसी भी हार्मफुल गैस का एमिशन नहीं होता है। दिस इज ए पार्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, आई थिंक यू ऑल गॉट दैट पार्ट। इसे भी जरा हम समझ लें, बाकी इसके जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो वहां से आप इसके नोट्स कॉपी कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट राइटिंग ऑल दीज थिंग्स, मेन थिंग इज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड देन राइटिंग, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर स्टडी। पहले सुनेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, समझ में नहीं आया है तो दोबारा पूछेंगे। कैसे पूछेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद। ठीक है, ओके। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड लाइक तो बनता ही है बॉस, है कि नहीं? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम जरा ये जान लेते हैं कि हम अपना कोर्स कैसे चलाएंगे, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और आपको क्या क्या समझना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में और चीजें भी आती है, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, हमारा एक फ्लोचार्ट बनेगा। सबसे पहले हम जानेंगे मैटर क्या होता है, मैटर के बाद उसे क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होगा। ठीक है, देन इसमें हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा टोटल हमारे पास 12 स्टेट्स ऑफ मैटर है। ठीक है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। 12 स्टेट में से 4 स्टेट ऑफ मैटर जो है ना, वो तो नेचुरल है, और बाकी जो बच गई दे आर ऑल मैनमेड स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कुछ मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में इस चैप्टर के अंदर। हम पढ़ेंगे कुछ लॉस के बारे में, कुछ न्यू टर्म्स के बारे में। वो न्यू टर्म्स कौन कौन से होंगे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं मोल का, एंड सम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड दीज टर्म्स विल बी वेरी यूजफुल इन 12th क्लास ऑल्सो एंड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। मैं एक बात पहले बता दूं आपको यहां पे कि 11th क्लास का जो कोर्स है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है जितना 12th क्लास का है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितना 12th का आता है उतना ही पार्ट 11th का भी आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये हमारा इस 11th क्लास का कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए खास तौर पे। देन हम पढ़ेंगे इसमें स्टोइकोमेट्री क्या होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग कैसे करते हैं रिएक्शन की, एंड हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हुआ हमारे इस चैप्टर का समरी पार्ट, हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है इस चैप्टर का, मोस्ट इंपोर्टेंट एक तो है ये वाला, है ये वाला और ये वाला, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। ये चीजें जो है बेसिकली, ये भी मान लेते हैं ये 4 पॉइंट जो आपके है ना, ये आपके आने वाले बहुत से चैप्टर्स में यूज होंगे। यही पॉइंट्स आपके 12th क्लास के चैप्टर्स में भी यूज होंगे, तो इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं समझ पाएंगे तो एक ही काम करेंगे, आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे इंट्रोडक्शन के तौर पे,
बाकी डिटेल्ड नॉलेज हम आने वाले चैप्टर्स आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, ठीक है। सो आई एम टेलिंग वंस अगेन, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर व्यूइंग, स्टे हेल्दी, बी सेफ, बाय टू ऑल।